हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं रिंका, और दोस्तों हमारा चैनल का नाम है मिस्टर राहुल राजा फैन, और हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है और दिल से धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज मैं कुछ थोड़ा सा मतलब ऐसे ठीक हो गई हूँ। आज चौथा दिन है दोस्तों, आप लोग से बता दे रही हूँ। आज 4 दिन हो गया मेरा तबीयत खराब हुए, तो दोस्तों मैं दवा अभी तो खाई हूँ और दवा खा ली हूँ दोस्तों, और अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने दोस्तों, आप लोग से बता रही हूँ। तो दोस्तों मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ और सब्जी भी नहीं था दोस्तों। कल हम गए थे दवा लेने वहाँ डॉक्टर के पास, तो सब्जी वब्जी नहीं लिए क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था दोस्तों। तो ऐसे ही दवा ववा लेकर के हम चले आए घर पे। तो दोस्तों ये देख लीजिए, एक टमाटर है, 2 टमाटर है दोस्तों। हमारे घर में सब्जी नहीं था, तो वही दीदी जो हमारे साथ गई थी हमको लेकर के दवा कराने के लिए, तो वही 2 टमाटर फिर आज दे के गई हैं। और दोस्तों ये भी दे के गई हैं, क्या बोलते हैं इनको, प्याज का सागा। तो दोस्तों ये प्याज का सागा भी बेचारी उसी ने दी है, और हरी मिर्ची दी है। हरी मिर्ची भी नहीं था दोस्तों, था हमारे पास लेकिन सूख गया था, आप लोग को दिखा रही हूँ। ऐसे सूख गया था दोस्तों ना, ये देख लीजिए सूख गया था। तो मैं बोली थोड़ा हरा सब्जी हरा मिर्ची दे दो, तो दिए है दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और बहुत आप लोग भैया लोग दीदी लोग सिस्टर लोग आप लोग बहुत अच्छा अच्छा हमारे लिए कमेंट करते हैं। कि अभी एक भैया ने मुझे कमेंट किए थे, बोले थे कि दीदी तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो भैया आपको दिल से धन्यवाद, थैंक यू भैया जी। और मैं दवा खाई हूँ दोस्तों ना, तो मुझे ऐसे गर्मी के जैसा महसूस हो रहा है बहुत। आज मुझे गर्मी का महसूस हो रहा है दोस्तों, मैं आप लोग से क्या बताऊँ। आप ही लोग का आशीर्वाद दुआ से मैं ठीक हो जा रही हूँ दोस्तों। ये आलू है, इतना देख लीजिए, इतना आलू है, इसमें थोड़ा गुदरी है, इसको छिल करके जा रही हूँ सब्जी में डालूंगी दोस्तों। और एक प्याज ले लेती हूँ और सब्जी चावल बनाऊंगी। और हमारे 2 बच्चे स्कूल चले गए हैं दोस्तों, और तो स्कूल से आएंगे 12 बजे, तब तक हमारा खाना हो जाएगा दोस्तों। आज मैं खाना लेट बना रही हूँ, 4 दिन से दोस्तों मैं खाना लेट बना रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत नहीं सही था। लेकिन मैं दोस्तों जब से दवा खाई हूँ ना, तब से मुझे गर्मी महसूस हो रही है बहुत तेज से। डॉक्टर साहब ने बोले थे कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, और काम करो पहले बुखार का दवा खा लो, बुखार तुम्हारा उतर जाएगा, तो उसके बाद तुमको हम ताकत का शीशी उसे देंगे, ताकत का गोली ले देंगे, तो उसके बाद तुम खाना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है डॉक्टर साहब। दोस्तों ये सब बात है, और दोस्तों मुझे बहुत जोर से ठंडी लग रही थी 3-4 दिन से, बहुत जोर से। तो दोस्तों मैं आप लोग से ही कहना चाहती हूँ कि आज मेरा तबीयत कुछ अच्छा है दोस्तों, और फिर भी कोई अच्छा नहीं है, फिर भी मतलब कल से परसों से तो आज जरूर कुछ फुर्सत है दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने दोस्तों। कि आज 4 दिन से मेरा तबीयत बहुत खराब था, बहुत खराब था दोस्तों। मैं आप लोगों से क्या बताऊं, मैं न्यूज पाने के लिए नहीं बता रही हूं दोस्तों। आप लोग समझ रहे होंगे कि न्यूज पाने के लिए सिस्टर क्या नौटंकी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं भगवान कसम खा के कहती हूँ कि मेरा तबीयत बहुत खराब था, बहुत खराब था दोस्तों। और फिर हमारे आगे पीछे कोई है भी नहीं, हमारे पति है तो बम्बई है, और सिर्फ हमारे 2 बच्चे हैं, वही हमारा बच्चा का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है, और आप लोग का सहारा है दोस्तों। आप ही लोग भगवान से दुआ करे होंगे तभी तो मैं ठीक हो रही हूँ दोस्तों। चलती हूँ दोस्तों, अब मैं सब्जी काटने, ऐसे आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो मैं आज बनाऊंगी सब्जी और भात बनाऊंगी दोस्तों, दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे स्वाद नहीं लग रहा है दोस्तों, बुखार की वजह से कुछ खाने को दिल नहीं करा। तो दोस्तों मैं आज तीखा तीखा सब्जी बनाऊंगी और भात बनाऊंगी, और थोड़ा चटनी भी पीस लूंगी दोस्तों, तो अच्छा लगेगा, स्वाद भी लगेगा दोस्तों। तो और बुखार की वजह से तीखा तीखा खाने को मन करता है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, इसकी वजह से दोस्तों मैं बहुत तीखा सब्जी बनाऊंगी और थोड़ा चटनी बनाऊंगी। तो
खाऊंगी दोस्तों। और अभी तो सोने को दिल करा, डॉक्टर ने बोले थे कि दवा खा करके सो जाना, ऐसे कंबल ओढ़ के सो जाना दवा खा के। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम सो जाएंगे तो खाना हमारा कौन बनाएगा, तो इसके वजह से दोस्तों मैं सोई नहीं हूँ, दवा खाई हूँ और सोई नहीं हूँ। अब पहले खाना बना लेती हूँ उसके बाद सोऊंगी। अभी खाना हो जाएगा दोस्तों 10-15 मिनट में हमारा, तो जाके सो जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि दवा खा के सो जाना, तो अभी मैं कैसे सो, अभी खाना तो बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी तो क्या खाऊंगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, फिर हमको दवा भी तो खाना है दोस्तों, नहीं तो नमक और पानी पिया करो दोस्तों। तो मैं कल दोस्तों मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसको जैसे मैं नहीं नींबू ले पाई ना ही सब्जी उब्जी ले पाई, चौराहे पे गई थी तो कुछ लिया नहीं दोस्तों, ऐसे ही चली आई दवा लेकर के। तो दोस्तों मैं आज किसी से मंगाऊंगी नींबू, उसको अगर नहीं नींबू मंगाऊंगी तो दोस्तों ऐसे नमक पानी डाल डाल के पीऊंगी। दोस्तों हमारे पास बीपी लो हो गया था थोड़ा, वही भगवान से आप लोग दुआ करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। हमारे दो बच्चे हैं, नहीं तो हमारे बच्चे को क्या होगा दोस्तों, अगर मुझे कुछ हो जाएगा दोस्तों हमारे बच्चे को क्या होगा, यही बात है दोस्तों और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों मैं रखती हूँ, और आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना दोस्तों। दोस्तों मैं अभी रखती हूँ और खाना बनाने के लिए, अभी हमारे बच्चे लोग आ जाएंगे इसको से तो क्या खाएंगे दोस्तों, और मुझे अभी सोने का भी है ना, इसको जैसे क्योंकि दवा खाए हूँ दोस्तों ना, तो थोड़ा ऐसे दिमाग सनसना रहा है, बहुत तगड़ा दवा है दोस्तों, यही बात है कुछ नहीं। दोस्तों मैं रखती हूँ, आप लोग से उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग भी अच्छे रहें, भगवान ना करे किसी को ऐसे बुखार पकड़े, और क्या बताऊँ और तो क्या मैं बोलूँ दोस्तों आप लोग से।